किम जोंग उन आए नजर, तमाम अटकलें हुई खारिज। सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए किम। किम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह के दावे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 3 सप्ताह बाद आए नजर। किम जोंग उन को सार्वजनिक कार्यक्रम में देखने का किया जा रहा दावा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और उन्होंने फीता काटा। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी की माने तो किम ने जब कार्यक्रम में फीता काटा तो वहां मौजूद जनता ने गदगद होकर उनका स्वागत किया और हुर्रे के नारे लगाए। वहीं इससे पहले किम जोंग उन को आखिरी बार 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम में देखा गया था। इस कार्यक्रम में वो किम एक फाइटर जेट के उड़ान का जायजा ले रहे थे। पिछले 20 दिनों में किम को लेकर कई खबरें मीडिया में आई। सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने न आने से दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। इतना ही नहीं, उनके गंभीर रूप से बीमार होने के भी दावे किए जा रहे थे। अमेरिकी न्यूज एजेंसी की माने तो एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि किम जोंग उन की हालत काफी खराब है। किम ने एक सर्जरी करवाई है जिसके बाद से किम की हालत बहुत बिगड़ गई है। रिपोर्ट में ये दावा व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी के हवाले से किया गया था। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को किम जोंग उन के दादा किम सुंग की द्वितीय सालगिरह थी, लेकिन इस मौके पर भी किम नहीं दिखे थे, जिसके बाद से उनके बारे में चल रही अफवाह और तेज हो गई। 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में काफी अहम दिन माना जाता है और ये राष्ट्रीय छुट्टी का दिन है। 11 अप्रैल को किम जोंग उन अपनी पार्टी के पोलित ब्यूरो की मीटिंग में शामिल हुए थे। स्टेट मीडिया की माने तो इसके अगले दिन 12 अप्रैल को वह फाइटर जेट के उड़ानों का जायजा ले रहे थे। इसके बाद उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले किम की खास ट्रेन को देखने का दावा किया जा रहा था। किम को अपनी खास ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है। फिलहाल किम कब खुद सामने आकर तमाम अटकलों को खारिज करेंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।